hero, some fairy tale bliss. Just something I can talk to, somebody I can kiss. I want something just like this. तो गाइस अभी शाम के वक्त है तो हमारा फ्री टाइम था, मेडिकल का काम हो गया था। हम सोचे कि आज थोड़ा मरीना बीच घूम के आओ, तो हम मरीना बीच आए हैं। तो ये है हमारा एंट्री, यहाँ से हम जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है, बहुत क्राउड है यहाँ पे। देख सकते हैं साइड से कितना क्राउड है। हम यहाँ से जाएंगे, हम देखेंगे अभी यहाँ से आगे। चल तो गाइस, जो कि मेरा सेकंड टाइम है मरीना बीच में, लास्ट टाइम आया था पर इतना वो नहीं हो पाया। तो आके कुछ देरी बैठ के यहाँ पे गया था, मैं अपने भाई के साथ आया था। तो आज मैं अपने भाभी के साथ हूँ, कभी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मरीना बीच में। मैं इन्हें लेके आया, वो अपना फोटो सेशन कर रहा है, वापस देख सकते हैं। तो उसमें जाओ भाई, सब देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे, बहुत 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 ज़्यादा क्राउड है। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ एंड तक जाएंगे, तो एंड तक जाके मैं आपको वहाँ के जो सी वाटर है मैं वो दिखा देता हूँ। देखिए कितना क्राउड है, बहुत बहुत बहुत। और शाम के वक्त अच्छा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर करीब 30 या 30 प्लस जा रहा है अभी भी। तो ह्यूमिडिटी बहुत है पर इतना गर्मी नहीं है। तो और शाम के वक्त है, शाम के वक्त अभी थोड़ा ठंडी है क्योंकि देख सकते हैं व्यू, व्यू को क्या बोलूं मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टॉल है और बच्चों को खेलने के भी वो है। गई बोल रहा है मैं अभी गई थी मैंने यहाँ पे, तो लोग देख सकते हैं यहीं से अभी सेंट शुरू हो गया अभी, आइसक्रीम वाला कॉर्न वाला। हेलो, क्या बना रहे हैं? देख सकते हैं बहुत विंडी है। एक्चुअली हमने प्लान नहीं करा था आज मरीना बीच जाने के लिए हम, क्योंकि वहाँ से कहीं मार्केट गया था, मॉल गया था। मॉल के बाद हम सोचे कि फिर कल से टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम डायरेक्टली आज शाम के वक्त है तो यही आ गए हम मरीना बीच। तो देखते हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे बता समझ में। तो गाइस लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ मरीना बीच तो आया था एक बार, लेकिन कुछ ही देर के लिए। उसे मैं पौंडीचेरी गया था, पौंडीचेरी में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे बीच है जो बहुत साफ और बहुत ही कम लोग होते हैं वहाँ पे। तो वो बीच में हैंग आउट करने के लिए बहुत सही है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इस पर तो आप सिर्फ फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे बैठो खाओ पियो और थोड़ा बीच का नज़ारा देखो, वही है बस। लेकिन देखते हैं आगे तक जाके, देखेंगे हम भी पानी किस तरह से होता है। Yeah.
गाइस हम बीच के सामने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है। गाइस मैं अभी जो अभी है उसका मैं आपको बताऊंगा कि इसके तो मतलब फोटो सेशन बने रहना है। Mobe halim dal kepka. Monte verdi me tak lemin sirip. Dorma yur yavda. अभी थोड़ा शाम भी हो रहा है और हम जिस जगह से थोड़ा दूर भी रह रहे हैं तो इसलिए हम वापस अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं। कैसा लगा आपको बीच का एक्सपीरियंस? तो ये कह रही है कि उसको बहुत आज अच्छा लगा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सनसेट है बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। तो अभी क्योंकि रात के वक्त है और थोड़ा ज़्यादा पानी भी आ रहा है इसीलिए यहाँ के जो पुलिस जो ड्यूटी पे है तो वो लोग कह रहे हैं थोड़ा हटने के लिए क्योंकि रिस्क नहीं लेना है किसी को, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा घूमेंगे उसके बाद वापस जाएंगे गाइस। गाइस हम वापस जा रहे हैं अभी क्योंकि रात भी हो चुका है और मेरा कैमरा तो बहुत अच्छी अभी ठीक नहीं आ रहा रात को, इसलिए अभी हम वापस कर जाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर भी अच्छा नहीं है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। तभी बीच तो हम घूम लिया, अभी आगे जाके कुछ खाएंगे उसके बाद घर के। और बाय गाइस, तो मैं एक बार 360 घूम लेता हूँ सभी के लिए, देख लीजिए गाइस।